हेलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि बिज क्लासेस पर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट वन मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मैं आपसे पार्ट टू डिस्कस करूँगा, जिसमें 12 जुलाई से आगे के जितने भी, अभी 3 वीक हैं, तो इस वीक में जितने भी अवार्ड्स आए हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा हैदराबाद हंगर एक्टिविस्ट। हैदराबाद के जो हंगर एक्टिविस्ट हैं, जो भूखों के लिए काम करते हैं, सैयद उस्मान अजहर मकसू मकसूईसी, ठीक है, मकसूईसी, सैयद उस्मान अजहर मकसूईसी, बस इतना याद रखो, सैयद असमा उस्मान याद रखो, सैयद उस्मान। हु हैज़ बीन, वैसे मेरे ख्याल से लास्ट वाला नेम कई बार चेंज नहीं करते हैं ना, मकसी। तो सैयद उस्मान अजहर मकसी, हु हैज़ बीन फीडिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे, जो कि हर दिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को खिलाते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज फूड ड्राइव। वो मतलब घूम घूम कर खिलाते हैं। हंगर हैज़ नो रिलीजन, उनका कहना है कि भूख का कोई धर्म नहीं है, है ना। चलिए, वाज अवॉर्डेड अ टॉप यूके अवार्ड। तो यूनाइटेड किंगडम के जो है टॉप अवार्ड से उन्हें जो है नवाजा गया है, मतलब उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो किसको? तो यूके के जो, यूके का जो अवार्ड है, टॉप अवार्ड है, उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद उस्मान अजहर मकसूसी को, ठीक है जी, जो फिर जो थाउजेंड जो कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को जो है खाना खिलाते हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, जर्नलिस्ट एंड प्ले राइट, ठीक है, जर्नलिस्ट एंड प्ले राइट, ओम चेरी एन एन पिल्लई। देखो कई बार जो है इनके प्रोफेशन के बारे में भी बात आ जाती है। तो जर्नलिस्ट और प्ले राइट, जर्नलिस्ट और प्ले राइटर ओम चेरी एन एन पिल्लई हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दी बहरेन केरा लिया समाजम लिटरेरी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। ओम चेरी एन एन पिल्लई जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्हें बहरेन केरा लिया समाजम लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, BKS, ठीक है जी, BKS प्रेसिडेंट PV राधा कृष्णा पिल्लई, जनरल सेक्रेटरी वार्गिस कराचल एंड लिटरेरी विंग सेक्रेटरी फिरोज तिरुवात्रा अनाउंस द अवार्ड, ठीक है। तो BKS के जो प्रेसिडेंट, BKS बहरेन के जो प्रेसिडेंट हैं, पीवी राधा कृष्णा पिल्लई। ये देखो, ये जो बहरेन केरलिया समाजम जो लिटरेरी अवार्ड है, ये BKS के जो प्रेसिडेंट पीवी राधा कृष्ण पिल्लई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जनरल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वार्गीस कराकल एंड लिटरेरी विंग सेक्रेटरी फिरोज थिरुवात्रा ने ये अनाउंस। अब देखो, ये जो BKS अवार्ड, ये जो बहरेन केरालई समाजम लिटरेरी अवार्ड, ये कौन कौन जो है प्रोवाइड करता है? एक तो BKS के प्रेसिडेंट पीवी राधा कृष्ण पिल्लई, प्लस जनरल सेक्रेटरी वार्गिस कराकल एंड लिटरेरी विंग सेक्रेटरी फिरोज तिरुवात्रा, ये तीनों लोग जो है मिलकर अवार्ड को अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इस बार BKS अवार्ड किसको मिला है? बहरेन केरालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओम चेरी एन एन पिल्लई जी को, ठीक है जी। बहरा कौन है? पिल्ला। कैसे याद रखोगे, बहरा कौन है? पिल्ला। तो बहरेन केरालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? पिल्लई को। और ये कौन कौन मिलकर देता है? पीवी राधा कृष्ण पिल्लई और वार्गेसी कराकल और साथ ही फिरोज तिरुवता, ये तीनों मिलकर देते हैं ये अवार्ड, ठीक है, BKS। अगले देखिए क्या है, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक हैज़ बीन एडजस्ट द बेस्ट बैंक कोऑपरेटिव बैंक। तो बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक का अवार्ड किसे मिला है भाई? तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक को, TSCAB, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक को बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्या अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जबकि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक को जो है बेस्ट DCCB बैंक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बेस्ट जो है DCCB, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये किसने दिया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने
दो बैंकों को जो है अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। कौन कौन सा भाई? पहला तो ये है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है? द बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो है अवार्ड मिला है। अगला है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक को जो है बेस्ट डीसीसीबी यानी कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का जो है अवार्ड मिला है जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है जी। चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जिन भी लोगों को अवार्ड मिला है। अगला क्या है भाई? अधिमलाई अधिमलाई पजगं पजहन गुडी गुडी या नियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो अधिमलाई, बस इसको याद रखो, अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड स्नेहा कुंजा ट्रस्ट, ये दो, स्नेहा कुंजा ट्रस्ट आर अमॉन्ग द 10 अवार्डेज ऑफ द प्रेस्टिजियस इक्वाटोर प्राइज। इक्वाटोर प्राइज के जो है ये जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। इक्वाटोर प्राइज में 10 अवार्ड दिए गए हैं 10 लोगों को। इक्वाटोर जो प्राइज है वो 10 लोगों को दिया गया है, जिनमें से अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी आ जाती है और साथ ही स्नेहा कुंजा ट्रस्ट, ये दो कंपनी उसमें शामिल है। ठीक है जी। फॉर देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में दिया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम गिव्स अ बाई एनुअल अवार्ड टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी एफर्ट्स टू रिड्यूस पावर्टी। उन कम्युनिटी एफर्ट्स करने वालों को दिया जाता है जो पावर्टी जो है कम करने में थ्रू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो कि कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं और प्लस बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करके रखते हैं। ठीक है जी। तो इनको मिला है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इक्वाटोर इक्वाटोर प्राइज जो है रिलीज करता है। इस बार 10 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें से अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंजा ट्रस्ट जो है ये दो शामिल है। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी फील्ड के लिए। ठीक है, कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगली हम लोग बात कर लेते हैं, अगला देखिए क्या है। डायरेक्टर जो पायल कपाड़िया है, डायरेक्टर पायल कपाड़िया, अ नाइट ऑफ द नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग वन द ऑयली डे वॉर, ऑयली डे और इसको हम बोलते हैं गोल्डन आई अवार्ड, ऑयली डे और बोल दो या फिर गोल्डन आई अवार्ड बोल दो फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल। तो कैनिस फिल्म फेस्टिवल का जो 74th एडिशन हुआ है उसमें जो है ऑयली डे और या फिर गोल्डन आई अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम क्या है? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और ये किसने लिखी है? इसके डायरेक्टर हैं आपके, डायरेक्ट किसने की है? पायल कपाड़िया ने। ठीक है, पायल कपाड़िया ने। द मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर फर्स्ट फीचर बैग्ड द प्रेस्टिजियस प्राइज इन अ फॉर्मिडेबल फील्ड मेड अप ऑफ 28 डॉक्यूमेंट्रीज। उन्होंने 28 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, प्रेजेंटेड अक्रॉस वेरियस सेक्शंस ऑफ द फेस्टिवल। ठीक है, तो मतलब इस वेरियस सेक्शन में 28 डॉक्यूमेंट्रीज ली गई थी, जिसमें से डायरेक्टर जो पायल कपाड़िया हैं इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने ऑल डी और यानी कि गोल्डन आई अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, कौन से? 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल में, 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड या फिर ऑयल डी वॉर अवार्ड जीता है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने, जो कि जिसके डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मर इंडिया एंड मोहन बागान शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी। ओके, मोहन बागान और इंडिया के शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी हु फेमसली डिनाइड जिन्होंने जो है डिनाइड कर दिया जो है ब्राजील के लीजेंडरी फुटबॉलर प्लेयर पेले। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पेले किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो पेले ब्राजील से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल इन अ इन एन एग्जीबिशन मैच 1977 विल बी कंफर्म्ड विद मोहन बागान रत्न पोस्थमसली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ब्राजील के जो फुटबॉलर हैं पेले उनको जो है हु फेमसली डिनाइड ब्राजील लीजेंडरी फुटबॉलर प्लेयर पेले फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल। अच्छा,
उन्हें इस गोल उन्हें गोल नहीं करने दिया, है ना। ब्राजील के जो लीजेंडरी फुटबॉलर हैं पेले, ब्राजील के जो लीजेंडरी फुटबॉलर हैं पेले, इनको गोल नहीं करने दिया। किसने नहीं करने दिया? तो ये जो आपके शिवाजी बनर्जी हैं इन्होंने, ठीक है, जो शिवाजी बनर्जी हैं इन्होंने जो है ब्राजील के जो फुटबॉलर हैं पेले को गोल नहीं करने दिया। अब इन्हीं को शिवाजी बनर्जी जो कि फुटबॉलर हैं, इनको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है पोस्थमसली मरणोपरांत, ठीक है। शिवाजी बनर्जी जी को जो है मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी, बात समझ आई। अगले हम लोग बात कर लेते हैं, कैशर, CACHER, कैशर डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जली, जो कीर्ति जली हैं, ठीक है। रिसीव्ड द नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड, तो नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? कीर्ति जाली को अ फ्यू डेज अगो फॉर पुष्टि निर्भर, यानी कि पुष्टि निर्भर का मतलब है न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। आ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट एक था इनका, ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंटेलिंग सेटिंग अप गार्डेंस, ओके, न्यूट्रिक गार्डेंस, ऐसे गार्डन जहाँ पे न्यूट्रिशन हो, एट हाउस इन दीनाथपुर बगीचा विलेज, दीनाथपुर बगीचा विलेज, द विलेज इज नियर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन द कटीगोरा साइकिल ऑफ कैचर डिस्ट्रिक्ट। तो कैचर डिस्ट्रिक्ट के कटीगोरा साइकिल में जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर ये जो है ये न्यूट्रिशन गार्डन बनाया गया है, ठीक है। तो कीर्ति जाली को जो है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है किसके लिए? पुष्टि निर्भर जो है कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पुष्टि निर्भर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के लिए, पुष्टि निर्भर का मतलब है न्यूट्रिशन डिपेंडेंट, ठीक है। निर्भर मतलब हो गया डिपेंडेंट, पुष्टि मतलब हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पुष्टि निर्भर मतलब कि न्यूट्रिशन डिपेंडेंट एक कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है लगाया गया है। तो कीर्ति जाली को जो है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, कीर्ति जाली को। अगली हम लोग बात कर लेते हैं सीनियर इंडियन जो डिफेंडर है, डिफेंडर तो आप जानते हो फुटबॉल में होते हैं, संदेश जिनगन को आईफा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2014, इन्हें जो है जो संदेश जिनगन है इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था 2014 में। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, किनको? संदेश जिनगन को, ठीक है। और आईफा ने जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से 21 किसको दिया है? तो किसको दिया है? संदेश जिनगन को, ठीक है जी। चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं सुरेश सिंह वंगजाम मिडफील्डर हैं, वास्पिक द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 20 से 21 अवार्ड इन्हें दिया गया है फुटबॉल में ही, ठीक है। ब्लू टाइगर्स 20-year-old सुरेश हु मेड हिज ब्लू टाइगर डेब्यूट ब्लू टाइगर में जिन्होंने अपना जो है डेब्यू किया था अर्लियर दिस ईयर ओमान के अगेंस्ट में, ठीक है। वाज पार्ट ऑफ द इंडियन साइड दैट कम्प्लीटेड एट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017, ठीक है। अब देखो क्या है, सुरेश सिंह वांगजाम ये फुटबॉल प्लेयर हैं, तो इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 20 से 21, देखो फुटबॉल आईफा जो ये AIFA एसोसिएशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन, तो इसने जो है आईफा मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? संदेश जिंगजंग को। और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसका किसका है? सुरेश सिंह का। ये 2014 में तो ये संदेश जो जिंगन है ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 का जीते थे, ठीक है। 2020 से किसका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? सुरेश सिंह वंगजम ने, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इंडिया वुमेन्स नेशनल टीम अवार्ड, ओके, नगन गोम बाला देवी हैज बीन नेम्ड एज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 20 से 21, ठीक है। तो वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बाला देवी को, ठीक है जी, बाला देवी को दिया गया है, बात समझ आई। तो आईफा, ये जो आईफा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है? बाला देवी को, मैन में।
आईफा मैन में जो है आईफा मैन में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो संदेश को। और वुमेन में किसको मिला है, तो ये मिला है बाला देवी को, ठीक है। नंगोम बाला देवी को जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुरेश सिंह वंगजम को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। और अब देखिए क्या है, अब 26 से हम 1 अगस्त के बीच में ये लास्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें किस किस को अवार्ड मिला है वो जरा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत, जिन्हें डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2019। तो 2019 में 2019 के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 पे पैरा शटलर प्रमोद भगत, पैरा शटलर जो प्रमोद भगत हैं वो डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पैरा शटलर प्रमोद भगत जी को, ठीक है जी। अगली हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर, इंडियन ओरिजिन के लेकिन हाँ ब्रिटिश में अभी काम कर रहे हैं, तो संजीव सहोता, ठीक है। अमंग द 13 ऑथर्स की लिस्ट में जो कि प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज है, जो प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज है उसमें जो 13 ऑथर्स को जो बुकर प्राइज दिया जाना है उसमें संजीव सहोता भी शामिल है, जिनकी जो नॉवल आई थी चाइना रूम उसके लिए उन्हें जो है सम्मानित किया जा रहा है, अलॉन्ग साइड नॉवेल लॉरेट कजुओ इशिगो एंड पुलित्जर प्राइज, इन्हें इन प्राइज से जो है नवाजा गया है। कहने का मतलब क्या है, बुकर प्राइज 2021 में जो बुकर प्राइज में जो 13 ऑथर सेलेक्ट हुए हैं उसमें से जो है इंडियन अमेरिकन सॉरी इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर संजीव सहोता को जो है चाइना रूम के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। अगली बात कर लेते हैं वैदेही डोंगरे, वैदेही डोंगरे जो कि 25 साल की एक महिला हैं, ठीक है। और मिशिगन फ्रॉम मिशिगन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। वैदेही डोंगरे जो कि मिशिगन से बिलोंग करती हैं 25 साल की महिला, इन्हें जो है मिस इंडिया यूएसए जो है जीता है, मिस इंडिया यूएसए जीता है, मिस इंडिया यूएसए जीता है, मिशिगन से बिलोंग करती हैं। नाम क्या है, वैदेही डोंगरे। ब्यूटी प्रेगनेंट। अर्शी ललानी की बात करते हैं जो कि जॉर्जिया से हैं, इन्होंने फर्स्ट रनर अप जीता है। फर्स्ट रनर अप आपका ये होता है जैसे कि एक टॉप लेवल का आगे, जैसे कि मिस इंडिया अभी कौन बने हैं तो वैदेही डोंगरे बन गई, उसके बाद जो सेकंड आएगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, ठीक है। तो अर्शी ललानी को फर्स्ट रनर अप जो कि जॉर्जिया से हैं, और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसरी को जो है सेकंड रनर अप जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर पे आई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मिशिगन से है वैदेही डोंगरे, मिशिगन से है वैदेही डोंगरे, 25 साल की महिला हैं, इन्हें मिस इंडिया यूएस जो है जीत लिया है। अर्शी ललानी जो कि जॉर्जिया से हैं, ये जो है फर्स्ट रनर अप बन गई हैं। अर्शी ललानी जो कि जॉर्जिया से हैं, अर्शी ललानी जो कि जॉर्जिया से हैं, इन्होंने जो है फर्स्ट रनर अप बन रही हैं। और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी जिन्होंने सेकंड जो कि सेकंड रनर अप रही हैं, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए में। डोंगरे हु हैज मेजर्ड इन इंटरनेशनल स्टडीज, ओके, वॉन द मिस टैलेंटिन, ओके, टाइटल इन द पिगनेंट ऑफ पिगी 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 एंड फॉर गिविंग अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर कथक के लिए भी उन्होंने मिस टैलेंटेड जो है अवार्ड जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने मिस टैलेंटेड अवार्ड भी जीता है इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक से, ठीक है जी। चलिए डोगरे ने, ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक में भी इन्होंने मिस टैलेंटेड अवार्ड जीता है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी। तो महाराष्ट्र की जो भूषण सिलेक्शन कमेटी है इसने जो है आशा भोसले जी को जो है सम्मानित किया है, ठीक है। तो देखो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जो है सिलेक्ट किया है जो लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर हैं आशा भोसले, इनको महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी ने जो है सम्मानित किया है, ठीक है। महाराष्ट्र अवार्ड्स आप ऐसा कह सकते हैं, महाराष्ट्र का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है उससे आशा भोसले जी को जो प्लेबैक सिंगर है उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसने किया है, तो महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी ने, ठीक है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफिक आर्टिस्ट और आनंद राधा कृष्ण हैज वॉन द प्रेस्टिजियस विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। तो ग्राफिक आर्टिस्ट कई बार देखो इनका प्रोफेशन भी आ जाता है,
ग्राफिक आर्टिस्ट, जैसे कि आप देखते हैं ना कार्टून है तो उसमें ग्राफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णा, ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णा को जो है विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कंसिडर जो कि कंसिडर किया जाता है ऑस्कर इक्विवेलेंट ऑफ द कॉमिक वर्ल्ड, जो कि कॉमिक वर्ल्ड का जो है ऑस्कर है, ठीक है जी। तो ग्राफिक आर्टिस्ट, जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं आनंद राधा कृष्णन को विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री वर्ल्ड, ठीक है, विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री वर्ल्ड से जो है सम्मानित किया गया है, जो कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑस्कर इक्विवेलेंट है कॉमिक वर्ल्ड, सॉरी कॉमिक वर्ल्ड में, जो कि ऑस्कर के इक्विवेलेंट है जिसकी मान्यता, ठीक है जी। तो याद कैसे रखोगी, तो इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, कॉमिक कॉमिक देखो कॉमिक आपने वो देखा ना कॉमिक के राधा कृष्णा, आपने देखा है कॉमिक राधा कृष्णा, जब आप कॉमिक कैरेक्टर देखते हो जैसे कार्टून के कैरेक्टर जब आप देखते हो तो आपको आनंद आ जाता है, तो याद रखोगे कॉमिक इंडस्ट्री कैसे, आनंद राधा कृष्णा, ठीक है जी। अगली हम लोग बात कर लेते हैं, द इजनर अवार्ड आर गिविंग आउट एनुअली, ये जो है हर साल दिया जाता है, एंड द अवार्ड वॉन बाय राधा कृष्ण बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट, रिकॉग्नाइज द क्रिएटर ऑफ अ ग्राफिक नॉवेल्स आर्ट एंड इमेजेस, ठीक है। तो जो कि क्रिएटर ऑफ अ ग्राफिक नॉवेल्स के आर्ट और इमेजेस के द्वारा जो है चूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्ण अवार्ड किसको दिया गया है, विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, तो कॉमिक देख के हमें आनंद आता है, तो आनंद राधा कृष्णन को ये अवार्ड मिला है जो कि ऑस्कर के इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी अवार्ड्स आए हैं जुलाई के वो सारे ख़त्म होते हैं, आई होप। तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है, और एग्ज़ाम से यहाँ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आप सभी के सामने लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।